अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे। ये मैंने आपके सामने जो चीज़ रखी है, ये एक दरवाज़ा है जो कि मुझे कबाड़ से मिला है। 800-900 रुपये में मिल जाएगा। अमूमन मैं इसकी असल कीमत तो 3,000, 2,000 या 4,000 इसके आसपास ही होती है इस दरवाज़े की, बने बनाए की। लेकिन मुझे कबाड़ में ये सामने एक बंदे ने पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, फिर मेरे जहन में आया तो मैंने उससे ले लिया। तो खैर, ये इन चीज़ों को तो जंग लगा हुआ है इसकी, ये जो है कब्ज़ा है। लेकिन मैं इन सब के जो स्क्रूज़ हैं इनको मैंने उतार के फिर बदला है दोबारा। तो इन स्क्रूज़ को दोबारा उतार के अब ये वाइट, पहले ब्लैक कलर के लगे हुए थे, इसको लगा कर लेवल वगैरह चेक कर लेते हैं कि ये लेवल ठीक है या नहीं। तो मैं देखूंगा इसको कितने लेवल पर रखना है ताकि जो है इजीली इसके ऊपर बंदा बैठ कर पढ़ सके और पढ़ाई कर सके, अपने बाजू वगैरह रख ले और चेयर रख के ये। और मेरा इरादा है कि ये एक फ्लोटिंग टेबल मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। वीडियो को मैंने काफ़ी शॉर्ट किया है क्योंकि कुछ कस्टमर वो सॉरी कुछ जो व्यूअर्स हैं मेरे वो बोर हो जाते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। ओके, दरअसल वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल बंद हो चुकी थी वरना मैंने स्क्रूज़ करते हुए भी आपको फिल्म दिखानी थी। ये उसके बाद देख लीजिए, मैंने इनके जो कब्ज़े हैं इनके अंदर ब्लैक स्क्रूज़ लगा दिए हैं और ये हमारा फ्लोटिंग टेबल तैयार हो गया। और जो नीचे ये आपको दिखा रहे हैं ये बेंड होने वाला कब्ज़ा एक और छोटा सा लगाया, और एक ये वुड है ये लगा कर थोड़ी इसको सपोर्ट हो जाएगी। फिर उसके ऊपर हम अपने हाथ रख कर टेबल बुक्स वगैरह रख के रख सकते हैं। और मज़े के बाद ये देखें, दूर से फ्लोटिंग टेबल है, कुछ भी ज़रा सा भी महसूस नहीं होता। नीचे बिल्कुल हाली, कोई इसके स्टैंड नहीं है और ये ज़्यादा जगह भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत बेस्ट टेबल है क्योंकि ये टांगे भी नीचे से जहाँ मर्जी जहाँ चाहो। और अब क्लोज़ करना चाहते हैं, जगह कम पड़ रही है तो ये इसको हमने किया क्लोज़। ये रहे क्लोज़। ओके, थोड़ा सा मुश्किल था। ऑलराइट, थोड़ा सा मेरा दिल है। ओके यार, आप देखिएगा ये इसको एंड पे लगाया और ये छोड़ दिया और इस तरह साथ ये टेबल बिल्कुल द्वार के साथ लग गया है। ओके, अब ये देखिएगा मैं दरवाज़ा खोलूँगा और बंद भी करूँगा आपके सामने। इतना ये नहीं होगा, ये देखा, ये पीछे आपको थोड़ा पर्दा साइड पे करके दिखा दूँ। ये देखें, जितना दरवाज़ा खोलना होता है वो खुल गया। और ये देखिए,
अभी भी बीच में वक्फा है, यानी ये दरवाजे की लिमिट ही इतनी है, ये इतना ही खुलता है। और भी खुलता होता तो ये बिल्कुल दरवाजे को खुलने में कोई मसला नहीं था, वरना जब दिल किया जरूरत हुई तो हमने टेबल को ओपन कर लिया और जब पढ़ना चाह। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा।